फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ ब्रोकन हार्ट सेंटेंसेस। यानी आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो टूटे हुए दिल की जज्बात होती है। तो आइए फ्रेंड्स, इस मजेदार लेसन की शुरुआत करते हैं और देखें कि जब किसी का दिल टूट जाता है तो किस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं और उसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस शानदार लेसन की शुरुआत करते हैं। यह दर्द कब तक रहेगा? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हाउ लॉन्ग डज द पेन लास्ट, यानी ये दर्द कब तक रहेगा। व्हाई डिड यू लीव मी, यानी तुमने मुझको क्यों छोड़ दिया या तुमने मुझको तनहा क्यों कर दिया। मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या गलत कर दिया था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, यानी मेरा गुनाह क्या था, मेरी गलती क्या थी। वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती है। व्हाई डजंट सी लव मी, यानी वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती है। क्या उसको नहीं पता मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डजंट सी नो हाउ मच आई लव हर, यानी क्या वो नहीं जानती है कि कितनी शिद्दत से मैं उसको मोहब्बत करता हूँ। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, इट इज नॉट फेयर, यानी ये मेरे साथ क्यों होता है, ये फेयर नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये तो बहुत बुरा है। मुझे माफी मांगने का दिल करता है या मुझे माफी मांगने का दिल कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम विलिंग टू बेग, यानी मुझे माफी मांगने का दिल कर रहा है या मुझे उसके सामने झुकने का दिल कर रहा है, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दिस, यानी इस चीज के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या आपको लगता है इससे बात बनेगी, डू यू थिंक इट विल हेल्प, यानी क्या आपको लगता है कि अगर मैं माफी मांगू तो इससे बात बनेगी, मैं कब तक ऐसा महसूस करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हाउ लॉन्ग विल आई फील लाइक दिस, यानी कब तक मैं ऐसा महसूस करूंगा, मैं अब रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन डू नथिंग एक्सेप्ट क्राइंग, काश मैं हमेशा के लिए सो जाता और कभी न जागता। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विश आई कुड स्लीप फॉर गुड एंड नेवर वेक अप, यानी काश मैं हमेशा के लिए सो जाता और कभी न जागता। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि यह दर्द अब मुझसे नहीं सहा जाता या यह तकलीफ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं किया जाता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I can't take this pain any longer, यानी अब ये दर्द नहीं सहा जाता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेसन बहुत पसंद आया होगा और आपने यहाँ पर ब्रोकन हार्ट आस्किंग क्वेश्चन के कुछ सेंटेंसेस सीखा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे ब्रोकन हार्ट सेंटेंसेस के साथ, तब तक के लिए बाय।